नमस्ते, मैं हूँ आशा। आप सभी का स्वागत है आशा के किचन में। आज मैंने बनाया है व्रत में खाने वाला डोसा और हरी चटनी, और ये बहुत जल्दी से झटपट से बन जाती है और बहुत चटपटा लगता है। तो आइए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। तो पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं। देखिए, सावा का चावल है, इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिंगो दिया था और इसको पानी से छान के ले लिया है मैंने। इसको डाल देंगे। एक साबूदाना है, इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगोया था। और ये देखिए, जितना हम चावल लेंगे उसका आधा साबूदाना लेंगे, क्योंकि फूलने के बाद ये डबल हो जाता है। इसको भी डाल देंगे। और इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। देखिए, 1 चम्मच 2 चम्मच दही डालने के बाद, अगर आप इसमें हरी मिर्च डालना चाहें तो डालें, वरना छोड़ दें। मैं 1 हरी मिर्च तोड़ के डाल रही हूँ। इसका एक बैटर तैयार करेंगे, एकदम बारीक पीसना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि बढ़िया से मिक्सी हमारा चल सके। तो बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर हमारा तैयार है। देखिए, इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए। नॉर्मल डोसा जो हम लोग बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला बैटर होना चाहिए। मैंने सारे बैटर को एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे व्रत का नमक, यानी कि सिंगा नमक, 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसको एक साइड में रखूंगी और इसके साथ खाने वाली हरी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक जार ले लिया है, इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच पुदीना के पत्ते, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, अरे देखिए 1 कटोरी भर के हरा धनिया है, इसको बढ़िया से धो के सुखा लिया है मैंने। साथ में डालेंगे हरी मिर्च। आप तीखा कम ज्यादा अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। साथ ही में डालेंगे भुना हुआ जीरा, 1/2 छोटी चम्मच है। और साथ ही में हम लोग डालेंगे यहाँ पर नींबू का रस। देखिए, 2 चम्मच रस डाल देंगे हम लोग। अगर आप ज्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो ज्यादा खट्टा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक, और इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पानी, और इसका पीस के चटनी बना लेंगे। हमारा चटनी पीस के तैयार है। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब चलते हैं अपना डोसा बनाने। तवा हमारा गर्म है। देखिए, हल्का सा मैं रिफाइन से तवा को ग्रीस कर रही हूँ। आप अगर रिफाइन नहीं खाते हैं तो घी से करें। और तवा हमारा बढ़िया गर्म होना चाहिए। अब इस पे हम अपना बैटर डालेंगे। इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद फ्लेम को हम लोग बढ़ा देंगे, पकने देंगे। फ्लेम को मीडियम करेंगे। ये मैंने भुना हुआ जीरा का पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के इसका पाउडर तैयार किया है। इसको हल्का सा इस पर छीट देंगे चुटकी से ताकि चटपटा लगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। उसके बाद ऊपर से हल्का सा थोड़ा सा रिफाइन या फिर घी, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्का सा छिड़क देंगे। डोसा को क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। देखिए, किनारों से हमारे डोसे छुड़ने लगे हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, हमारा डोसा बनके तैयार है। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।